उत्तराखंड में आज कोरोना के 388 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 3242 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 15, चमोली में 28, चंपावत में 14, देहरादून में 94, हरिद्वार में 56, नैनीताल में 60, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 22, टिहरी में 7, उधमसिंह नगर में 30, उत्तरकाशी में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो गई। इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर के 6878 हो गया है। वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या 335866 हो गया है। इनमें से 6641 केस ही एक्टिव हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 356 हुई, 56 की मौत। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 356 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 56 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर है, अल्मोड़ा से खाई में गिरी बोलेरो 2 की मौत, 6 साल की बच्ची भी शामिल। तो अल्मोड़ा से सबसे बुरी खबर है। जी हाँ, बता दें कि सल्ट में एक बोलेरो खाई में जा गिरी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिली है कि यह हादसा डोडियाल से मोके खाल की ओर जाते वक्त हुआ। मृतकों में 6 साल की बच्ची भी शामिल है। थाना प्रभारी धीरेंद्र पंत ने बताया कि घटना की सूचना पर मौके पर गए हैं, इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। मृतकों की पहचान इस प्रकार से है, दीक्षा पुत्री ललित मोल गाँव सल्ट, सुरेंद्र सिंह 28 साल जो कि थे, रणथमल सल्ट। घायलों की पहचान इस प्रकार से हुई है, ललित निवासी मोल गांव सल्ट, पुष्पा देवी पत्नी ललित, 3 साल की ललित की बेटी। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आया ट्रक। तो गुरुवार को बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया। इस हादसे में ट्रक और परिचालक घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बड़ी खबर आई है पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी के श्रीनगर में से बड़ी खबर, बीएससी और बीए का छात्र चरस तस्करी करते गिरफ्तार। तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर कोतवाली पुलिस ने देर रात वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 छात्रों को 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पौड़ी गढ़वाल से बड़ी खबर आई है, खेत में काम कर रही महिला पर झपटा गुलदार, बनाया अपना निवाला। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार अभी तक कई मासूम समेत पुरुषों को और महिलाओं को अपना निवाला बना चुका है। ताज़ा मामला पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल से सामने आया, जहां खेत में काम कर रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया और गुलदार ने महिला को अपना निवाला बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पौड़ी के चौबट्टा खाल तहसील के अंतर्गत ग्राम डबरा में घर से कुछ दूरी पर खेत में काम कर रही गोदाम्बरी देवी पत्नी ललित मोहन सुंदरियाल पर अचानक घात लगाए बैठे एक गुलदार ने हमला कर दिया। इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर गुलदार को भगाने की कोशिश की। गुलदार ने महिला को निवाला बना दिया। वहीं खबर आई है, उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने 12 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी जनपद के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।